आ रहे चैनल वाले। अजमेर में जॉली LLB 3 मूवी की शूटिंग चल रही है। इसमें कुछ सीन्स हैं जो मंडल रेल कार्यालय के कार्यालय में और कार्यालय के आसपास हो रहे हैं। इसकी परमिशन हमारे हेडक्वार्टर से हमें मिल गई है, जिसमें कि प्रोड्यूसिंग कंपनी ने 27,39,000 रुपए हमारे पास जमा किए हैं। ये हमारी रेलवे की आय है और परमिशन देते हुए हमारा एक मेन मकसद ये रहता है कि जो रेलवे की छवि है वो बनी रहे और उस क्षेत्र में मूवी के प्रोडक्शन के द्वारा उस क्षेत्र में का भला हो, वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले और जिसको लेकर के जब भी कोई परमिशन आती है हम उनको देते हैं। अजमेर DRM को ही क्यों चुना गया, क्या मकसद रहा? अजमेर DRM ऑफिस अजमेर बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 1885 की बिल्डिंग बनी हुई है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है। इसमें मकराना के मार्बल और सैंडस्टोन की बिल्डिंग बनी हुई है और इसका जो आर्किटेक्चर है आउटसाइड क्वाइट यूनिक है और इसका आर्किटेक्चर एक कोर्ट की बिल्डिंग की तरह भी है। शायद ये कारण होगा कि प्रोड्यूसिंग कंपनी ने इस बिल्डिंग को अपने मूवीज से रिलेटेड ठीक पाया। लगभग कितने दिन शूटिंग चलने वाली है? शूटिंग यहाँ पर 12 से 13 दिन चलेगी जनाब। कौन कौन कुछ आने वाले हैं या कौन सी टीम ने आपसे परमिशन ली है? ये इस मूवी की प्रोड्यूसिंग कंपनी ने हमसे परमिशन लिया है और कौन आएगा कौन जाएगा या उनकी मूवी का शेड्यूल क्या होगा इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है। अच्छा, पब्लिक की ज्यादा भीड़ ना उसको देखते हुए कुछ रेलवे मंडल ने कुछ पूरी मूवी हमारे जो DRM ऑफिस की बिल्डिंग की बाउंड्री है उसके अंदर सारी शूटिंग होगी, तो बाउंड्री के गेट्स पर हमारे जो सिक्योरिटी पीपल हैं वो रहेंगे ताकि किसी भी तरह से हमारे अपने कार्यालय में कार्य करने में कोई विघ्न ना आए।